अंदर की नमस्कार शहर में दो दिन पहले 22 जनवरी के रात में काला पत्थर पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट दर्ज हुआ जिसमें कि एक बुंदेला जो कि उज्जैन के रहने वाले हैं और किसी काम से हैदराबाद आए थे और उसके बाद चरलापल्ली जेल में जहां इनके एक रिलेटिव अंदर जेल में है उनसे मिलने के लिए मुलाकात के लिए जेल में गए। मुलाकात के वक्त कुछ लोगों ने इनसे दोस्ती की और दोस्ती करने के बाद इनके बारे में पूरी जानकारी कलेक्ट की और जब मुलाकात हो गया उसके बाद जब ये वापस जा रहे थे तो उसमें से दो आदमी ने इनको कहा कि ये एयरपोर्ट उनको छोड़ देंगे आधे रास्ते तक और वहां से जाने के बाद वो ओला कैब लेकर शमशाबाद एयरपोर्ट जा सकते हैं। लेकिन इन्होंने दीपांजय बुंदेला ने देखा कि ये लोग एक ऐसे जगह ले गए जहां बिल्कुल सुनसान रास्ता बंद है आगे और वहां पे पहले से 4-5 लोग इंतजार कर रहे हैं और ये पूरे 7 लोग मिलकर रॉबरी इनसे पूरा इनका पूरा सामान छीन लिए सेलफोन कैश जो भी चीज था एटीएम कार्ड और उसके बाद इनको मारपीट करके किसी तरीके से ये अपना जान बचाकर वहां से भागे। वहां से भागने के बाद ये डायरेक्ट ऑटो लेकर एक पुलिस स्टेशन में आए जो कि काला पत्थर पुलिस स्टेशन था। हैदराबाद शहर में डेकोइटी एक बहुत सेंसेशनल चीज मानते हैं हम लोग और हैदराबाद पुलिस का एक रिकॉर्ड है कि हम लोग जीरो टॉलरेंस फॉर ग्रेव क्राइम लाइक डेकोइटी। हमारे एसीपी अंजैया एसएचओ साहब डीसीपी अंबर सभी लोग पूरे काम में लग गए केस को डिटेक्ट करने के लिए। हम भी पुलिस स्टेशन विजिट किए और हमारे विजिट करने के समय ये जो विक्टिम है उस समय पुलिस स्टेशन में थे तो इनसे करीब 1-1.5 घंटे हम भी बात किए पूरे केस का डिस्क्रिप्शन लिए कि कैसे हुआ क्या हुआ और जो इसमें क्रिमिनल जिसका इन्वॉल्वमेंट है उसके बारे में पूरी जानकारी लिए तो उससे पता चला कि ये जो 7 मेंबर गैंग है ये ऑलरेडी चरलापल्ली में एक इनका दूसरा क्रिमिनल नोटोरियस क्रिमिनल है आफरोज उससे मिलने गए थे ये और आफरोज और उसका साथी एक है मोहम्मद नवाज ये दोनों से मिलने गए थे और जो कि मुलाकात रजिस्टर में इन लोग का नाम था उससे वहीं से इंफॉर्मेशन मिला। आपको जानकारी होगी कि ये आफरोज खान और मोहम्मद नवाज ये लोग क्राइम नंबर 939/2018 मर्डर केस है मैलार देवपल्ली साइबराबाद का उसमें ये लोग चरलापल्ली जेल में है। उसके बाद से हम लोग केस को जेल में बंद है तो मैं उनसे मिलने गया था 22 तारीख को तो ये लोग भी वहाँ पे मिले मुझे ये भी किसी से मिलने आए थे जस्ट जैसे मुलाकात होती है ना तो ये भी मतलब नंबर लगता है वहाँ पर तो मेरे साथ नंबर लगाया हम लोगों ने नंबर लगाया फिर लंच हो गया तो 1 घंटे तक हम लोग पास पास बैठे थे वहाँ हमारी फ्रेंडशिप हो गई फिर ये जिससे मिलने आए थे इन्होंने उससे मुलाकात की और मैं मेरे जियाजी से मुलाकात करके आया। जैसे ही मैं आया गेट पर बाहर निकलने के लिए तो मेरी 6 बजे फ्लाइट थी 3:15 बजे मैं बाहर आया तो ये भी वही खड़े थे ये बोले कहाँ जाना ऐसे करके बात हुई तो ये बोले कि एयरपोर्ट के रास्ते में हमारा घर है शमशाबाद में तो मैंने गूगल पे देखा कि यार शमशाबाद तो रास्ते में दिखा तो ये बोले कि मैं वहाँ तक आपको छोड़ देता हूँ फिर ओला कर लेंगे मेरा एक फ्रेंड ओला में है तो उसको भी इन्होंने फ़ोन लगाया अब वो भी यही है मतलब इन्हीं में था तो फ़ोन और कुछ था यहाँ की लैंग्वेज अलग तो इन्होंने क्या बात की मुझे पता नहीं पड़ा तो ये मुझे लेके आया और फिर इन्होंने गली में डाल दिया वो गली में डाला ना तो गली में आगे रास्ता ही नहीं था मतलब आगे क्लोज थी वहाँ पे पहले ये 4 बैठे थे 2 मुझे लेकर आए और फिर 6-7 लोग हो गए फिर मेरा ATM लेके गए तो इनसे पैसे नहीं निकले तो मुझे लेके गए वापस ATM फिर तू निकाल के दे फिर मुझे जैसे ही मौका मिला ये गली में से रोड दिखी मैं दौड़ के और ऑटो जा रहा था
ऑटो में बैठा के मेरा सामान वही छोड़ दिया था सर इनके पास ही था। डायरेक्ट ऑटो वाले को बोला कि तू जो भी पुलिस स्टेशन है भाई मेरे पास में अच्छा, तो वो यहाँ पे आए, सब लोगों ने बहुत हेल्प करी। फिर सर को पता पड़ा, सर आए, मतलब छोटे से केस में सर ने सबको बोला और मतलब